चचा से तो रोज ही बात करती हूँ तुम्हारे बारे में, ये भी कर लूंगी, लेकिन नदीम से बात करना जरा मुश्किल है। चाची मुझे भी नदीम भाई और चाचा की इज्जत बहुत प्यारी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं खुद चली जाऊँ तो सारी बातें खत्म हो जाएगी। खास बात तो है, लेकिन नीलम जितनी खास मेरे लिए तुम हो और कोई नहीं। लेकिन ये बात तो मुझे पहले से ही मालूम है। यू आर अंडर अरेस्ट, गिरफ्तार कर लो इसे। गलत सोच रहे हो तुम, ऐसी बात है तो फिर आइंदा मुझसे कोई मशवरा मत लीजिएगा, जो करना हो आप लोग खुद कर लें। अरे प्लीज आप लोग आपस में तो ना लड़ें। क्या हुआ सर, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। वाकई सही अंदाजा लगाया तुमने, बहुत परेशान हूं। मुझे नहीं बताएंगे? एक तुम ही तो हो नीलम, जिसका मुझे इस वक्त इत्तबार है। तो फिर बताइए ना सफदर साहब, आप जैसा मजबूत और हिम्मत वाला इंसान आज कमजोर दिख रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अरे तुम क्यों परेशान होती हो? क्यों, मुझे परेशान नहीं होना चाहिए? नहीं, मुझे तकलीफ होगी। और अगर मैं आपसे कहूं कि आपको इस हालत में देख के मुझे तकलीफ हो रही है तो? तुम्हें पता है ना कि मेरा शक नदीम पर है। इमरान मेरे एतबार का आदमी है, लेकिन मुझे खतरा है कि वो किसी वक्त भी मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छा, तो ये परेशानी है? मैं उससे मिल नहीं सकता, क्या करूं? वरना उसे समझा देता कि कोई होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। बस इतनी सी बात? ये इतनी सी बात है? आप फिक्र ना करें, मैं चली जाती हूँ उससे मिलने। तुम? हाँ मैं। क्यों, मैं आपका इतना भी काम नहीं कर सकती? हाँ हाँ कर सकती हो, बिल्कुल कर सकती हूँ। तो बताइए मुझे क्या कहना है इमरान से? मैं तुम्हें क्या तफसील बताऊं, मैं खुद उससे बात कर लूंगा। बस तुम वहां पहुंच के अपने सेल फोन पर उससे मेरी बात करना, ठीक है? और हाँ एहतियात करना, मोबाइल अपने पर्स में छुपा के ले जाना। आप फिक्र ना करें। वैसे नीलम मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम मेरी परेशानी का इतना नोटिस लोगी। आप भी तो बुरे वक्त में मेरे काम आए ना, तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं भी आपके काम आ सकूं। रियली? दिया बात कर। जी सर। हेलो। वही हुआ ना जिसका मुझे खतरा था। सर मैं बहुत परेशान हूँ सर, कुछ करें प्लीज।
जानता हूँ मैं। अच्छा मुझे बताओ कि नीलम तुम्हारे करीब तो नहीं खड़ी? नहीं सर, ये सिपाही ने मोबाइल ला के दिया है मुझे। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं जल्द तुम्हें निकलवाने की कोशिश करता हूँ, आई प्रॉमिस। बस तुमने अपनी जबान नहीं खोलनी। लेकिन सर, देखो जितनी जल्दी नदीम अंदर होगा उतनी ही जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें बाहर निकाल दूं। बस जैसा मैंने तुम्हें समझाया है वैसा ही करना। ठीक है सर। शाबाश। अब तो नदीम का गिरफ्तार होना बहुत लाजमी हो गया है। इमरान का पकड़े जाना मेरे लिए मुसीबत साबित हो सकता है। इमरान की जबान खुली तो समझो सारा खेल बिगड़ गया। क्या हो गया इसे? इसका फोन बंद क्यों जा रहा है? अजीब खातून है आप, पूरा घर छान मारा मैंने। खैरियत तो है, आज मुझे तराश किया जा रहा है? खुशफहमी है आपकी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं आपको नहीं अपने मोबाइल को तलाश कर रहा था जिस पे आप खड़े होकर गेम खेल रही हैं। मियां गेम नहीं खेल रही थी, अपनी आंखों का इलाज करवाएं जाके। तो फिर क्या कर रही थी? पापा फोन कर रही हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ मैं। तुम्हें कैसे मालूम? सफदर के मुंह से बातों बातों में ये निकल गया कि इमरान की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस हरकत में आ गई है और अब वो किसी भी टाइम तुम्हारे घर पे भी छापा मार सकते हैं। समझ गया मैं। इमरान की गिरफ्तारी के बाद सफदर यही चाहता है कि मैं भी गिरफ्तार हो जाऊं, क्योंकि इमरान का जिंदा रहना उसके लिए मुफीद नहीं है। कहीं इमरान मुंह ना खोल दे अपना। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, काफी परेशान है सफदर, लेकिन प्लीज तुम जल्दी से कुछ करके वहां से फौरन निकलो। ठीक है, पर मैं। लेकिन प्लीज किसी ऐसी जगह मत जाना जहां पुलिस तुम तक पहुंच सके। महल जान, मुझे तो लगता है वहां पर भी खतरा होगा। नहीं, मेरे हवाले से वहां कोई खतरा नहीं होगा। वो कैसे? देखो पुलिस वहां इमरान के हवाले से आ सकती थी और इमरान गिरफ्तार हो चुका है तो पुलिस वहां नहीं आ सकती। गुड, चलो तुम कॉलोनी से निकलने की करो, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी। ओके, वैसे थैंक्स। किस बात का? मेरा इतना ख्याल रखने का। अच्छा ठीक है, तुम बस जल्दी से वहां से निकलने की करो। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। Excuse me. प्लीज आप यहीं रहते हैं? जी जी, खैरियत? दरअसल मुझे एक इंफॉर्मेशन चाहिए थी। बताइए किस सिलसिले में? आप इसे जानते हैं? इसे लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? मुझे इसकी तलाश है। तलाश किस सिलसिले में?
यंग मैन, आई एम पुलिस ऑफिसर और ये एक कातिल है। क्या कातिल? जी कातिल, आप इसे जानते हैं ना? मैं इसे जानता हूं। गुड, वेरी गुड। ना सिर्फ मैं इसे जानता हूं बल्कि ये शख्स मेरा रिश्तेदार भी है। रिश्तेदार? साले साहब है मेरे। ओ, ये आपके साले हैं फिर भी आप हमारी मदद कर रहे हैं। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर मैं सुलझा से ताउन कर रहा हूँ क्योंकि हमारी आजकल बनती नहीं है। ना बनने की कोई खास वजह? देखिए सर कुछ घरेलू वजूहात हैं। ये शख्स मेरी बीवी को मेरे खिलाफ भड़का कर अपने घर लेकर गया है और उसे घर वालों ने अभी तक उसको अपने घर में ही रखा हुआ है। लेकिन अब पता चला साले साहब ने तो तबीयत ही मुजरमों वाली पाई है। थैंक यू इमरान, मुझे लगता है कि वो कोई बहुत बड़ी चाल चलने वाला है। चाल? कैसी चाल? तुम तो जानते हो कि उसके पास बहुत पैसे हैं, बहुत दौलत है, वो किसी को भी खरीद सकता है या नहीं? हाँ कभी कभी मुझे भी ये ख्याल आता है, लेकिन मुझे फंसाने से वो खुद जेरे आताब आ सकता है। क्या क्या ऐसा है? तुम सोच भी नहीं सकती हो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि सफदर कितना परेशान है आजकल। क्या वाकई? सफदर जैसा आदमी अगर मेरे हाथों फंसा ना होता तो भला वो क्यों इतनी फिक्र करता कि मैं गिरफ्तार हो गया। तुम ठीक कह रहे हो, दुनिया बदल सकती है मगर सफदर की मनफी सोच नहीं। मुझे तुमसे एक काम है करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। हाँ तुम्हारे पास पेन और कागज होगा? दो। ये लो। ठीक है मैं चलती हूँ। ठीक अपना ख्याल रखना। सर वो घर पर नहीं है। ठीक है, खुशकिस्मत है आपका बेटा, लेकिन कब तक? आखिर एक न एक दिन तो पकड़ा जाएगा। सर ये जुल्म नहीं है कि एक बेकसूर आप लोगों की वजह से छुपता फिर रहा हूं? हाँ मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन अगर वो बेकसूर है तो फिर छुपता क्यों फिर रहा है? सामने आकर अदालत का सामना करे। आपकी अदालतों पे एतबार है किसी को? आपको हुकूमत पर नहीं, पुलिस पर नहीं, अदालत पर भी एतबार नहीं है, तो फिर किस पर एतबार है आपको? उस जात पे, वो बेहतर इंसाफ करने वाला। बेशक बेशक। फिर मैं बहुत मुतमईन, मुझे कोई खौफ और फिक्र नहीं है। हाँ, लेकिन उसने हमें तो फिक्र में डाल रखा है ना। ठीक है सर, आप खुलूस नीयत से अपना काम करें, अगर वो कसूरवार होगा तो आपको कामयाबी होगी वरना बहुत मुश्किल होगी आपको। ओके ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आ जाओ। सफदर साहब अब तो आप मुतमईन हैं ना पुलिस की कारकर्दगी से?
अगर सच पूछें सर तो मेरा जवाब नहीं मैं होगा, क्योंकि मैं तो रोज़ अव्वल से ये कह रहा हूँ कि इमरान बेकसूर है और गुनाहगार नदीम है, लेकिन आप लोग सफदर साहब अब क्या, लेकिन अब तो हम उसके इलाके और घर तक पहुँच गए हैं, उस तक भी पहुँच जाएंगे। अब देखिएगा बहुत जल्द वो हमारे हाथों में होगा। मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है सदर साहब। वैसे हमारी ये मुश्किल उसका एक रिश्तेदार दूर कर रहा है। रिश्तेदार और नदीम का? नदीम का रिश्तेदार, मगर वो उसका मुखालिफ है। हो अच्छा। हाँ सफदर साहब, उसी ने हमारी मदद की है, क्योंकि नदीम उसका साला है और उसने उसकी बेगम यानी अपनी बहन को अपने घर में रोक रखा है। वैसे सर नाम क्या है उसका? हाँ नाम उसका अयाश।